आज हम लेसन वन पढ़ेंगे, जिसका नेम है हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हो कंप्यूटर क्या है, कैसे कार्य वर्क करता है। अब इस चैप्टर में हम उससे आगे पढ़ेंगे। द मेन इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, इनपुट आईपीओ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम मोर एग्जांपल ऑफ द आईपीओ साइकिल, और आईपीओ साइकिल में ढेर सारे जो एग्जांपल्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है आईपीओ मीन्स क्या होता है? आईपीओ मीन्स होता है इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, इसी को हम आईपीओ साइकिल भी कहते हैं। ओके सो स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न दैट कंप्यूटर हैज़ मेनी पार्ट्स, आप पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर के कई पार्ट्स होते हैं। डू यू रिमेंबर दैम, क्या आपको याद है? नहीं याद होगा, सब भूल गए हो आप लोग। चलो ठीक है, फिर से क्लियर करते हैं। लेबल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द, चलिए आप बताइए ये क्या है। आप पढ़े हो मुझे पता है आप बता नहीं पाओगे, लेकिन मन में है कि मैम ये तो मॉनिटर है, टीवी की तरह दिखता है, मैंने बताया था। ठीक है, ये मॉनिटर है, गुड। ये हमारा माउस है नीचे में, ये देखिए जहाँ पे ये बेबी हैंड किया उसको यहाँ पे, और ये हमारा कीबोर्ड है, और ये हमारा सीपीयू है। चलिए आगे चलते हैं। द इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इसी को हम अभी बताए थे ना, कंप्यूटर वर्क ऑन आईपीओ साइकिल, आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस एंड ओ फॉर आउटपुट, इसी को हम शॉर्ट में आईपीओ साइकिल भी कहते हैं। व्हेन योर मदर प्रिपेयर ए ग्लास ऑफ बनाना शेक फॉर यू, आपकी मम्मी जब आपके लिए कोई बनाना शेक बनाती हैं, सी फॉलो द थ्री मेन स्टेप्स, वो तीन मेन स्टेप्स को फॉलो करती हैं जो हमारा इनपुट प्रोसेस आउटपुट पर डिपेंड करता है। स्टेप वन है हमारा इनपुट, फर्स्ट सी पुट द पिल्ड बनाना मिल्क एंड शुगर इनटू द ब्लेंडर, सबसे पहले वो ब्लेंडर में चीनी दूध और बनाना पिल डालती हैं। थिंग्स यू पुट इनटू द सिस्टम आर कॉल्ड इनपुट, ये सारी चीज़ें जो हम इन करा रहे हैं इनको हम इनपुट कहते हैं, इनपुट। ठीक, सेकेंड प्रोसेस हमारा आई हो गया, देन इसके बाद हमारा सेकेंड है प्रोसेस। प्रोसेस पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टार्ट द ब्लेंडर, उसके बाद वो ब्लेंडर को स्टार्ट करेंगी, द ब्लेंडर मिक्स द बनाना शुगर एंड मिल्क थ्रोली, जो हमारा मिक्सर है, जो मिक्सर ब्लेंडर होगा वो बनाना को शुगर को दूध को अच्छे से मिक्स कर देगा। व्हाट यू डू टू द इनपुट इज कॉल्ड, जब ये हमारा ये इनपुट के बाद जो सेकेंड स्टेप आ गया, वही इनपुट हमारा प्रोसेस, वही हमारी इनपुट पे ये प्रोसेस कर रहा है। ठीक, थर्ड हमारा हो गया आउटपुट, फाइनली ए डिलीशियस बनाना शेक कम्स आउट फ्रॉम द ब्लेंडर रेडी फॉर द ड्रिंकिंग इज कॉल्ड आउटपुट। लास्ट फाइनली एक डिलीशियस, एक बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट बनाना शेक ब्लेंडर से बाहर आता है, रेडी फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए तैयार है। व्हाट यू गेट इन दिस कॉल्ड आउटपुट। अभी लास्ट में जो हमारा हो गया प्रोसेस फिनिश, तो हम जो रिजल्ट पाए हैं उसको हम कहते हैं आउटपुट। इन द सेम वे टू डू एनी वर्क इन ए कंप्यूटर, इसी तरह टू डू एनी वर्क इन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर पे कोई भी वर्क करने के लिए यू हैव टू फॉलो दिस थ्री सिंपल स्टेप्स, ये हमारे तीन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है जब हम भी कोई भी कंप्यूटर पे वर्क करें। फर्स्ट है हमारा इनपुट, इनपुट है, देन सेकेंड हमारा प्रोसेस है, एंड देन थर्ड है हमारा आउटपुट। दिस इज कॉल्ड द आईपीओ साइकिल, इसी को हम आईपीओ साइकिल कहते हैं। आई स्टैंड फॉर इनपुट, पी स्टैंड फॉर प्रोसेस एंड ओ स्टैंड फॉर आउटपुट। नेक्स्ट है हमारा इनपुट, द कंप्यूटर एक्सेप्ट डेटा वर्ड पिक्चर और साउंड द इंस्ट्रक्शन एज इनपुट, कंप्यूटर कोई भी डेटा चाहे वो हमारा वर्ड्स हो या पिक्चर हो या फिर साउंड हो या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन, जिस वो हमारा इनपुट कहलाता है। दिस आर पुट इन टू द कंप्यूटर बाय इनपुट डिवाइसेस, ये कंप्यूटर में इन कराए जाते हैं बाय इनपुट डिवाइस, जो डेटा को इन कराने के लिए डिवाइस यूज़ हो उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे हमारा हो गया कीबोर्ड, माउस और द टच स्क्रीन, हमारे जैसे मोबाइल भी है, हमारा मोबाइल टच स्क्रीन है, हम कोई भी डेटा को टच कर करके राइट कर करके कर सकते हैं। देखिए इनपुट डेटा इंस्ट्रक्शन, सेकेंड है हमारा प्रोसेस, प्रोसेस द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यू नो द मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज द सीपीयू, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यू नो विदाउट द ब्रेन वी कैन से ए मैन इज अ मैड। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वर्क्स ऑन द इनपुट यूजिंग इंस्ट्रक्शन, आउटपुट द मेन इंफॉर्मेशन
The main information that we get after processing the input is called output. Output, the information we get after processing के बाद जो हम information पाते हैं उसे हम output कहते हैं. This is shown by output devices. और ये output device के द्वारा दिखाए जाते हैं, such as the monitor, printer और a projector. जैसे कि हमारा monitor हो गया, हमारे result को show करता है. Printer हो गया, जो हम कुछ भी print करना चाहते हैं वो उसे print करके हमें output देता है. या projector हो गया, जहाँ हम किसी चीज़ को show off करना चाहते हैं. तो output, जैसे कि two or three हमने जोड़ा तो हमें result क्या मिला? 5. Some more example of the IPO cycle. यहाँ पे कुछ examples दिए हैं, जैसे कि हमारा data दिया हुआ है 4261, ठीक. प्रोसेस में हमने इसे क्या किया? ऐड किया, ठीक. और आउटपुट हमारा क्या निकल के आ गया? 13. सेकंड है डेटा, हमें यहाँ पे कविता, पिंकी, पेनू, अंकिता, सोनिया, तानवी नेम दिया हुआ है. इंस्ट्रक्शन भी दिया है, अरेंज द नेम इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. यहाँ पे हमें नेम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. तो यहाँ हमारा द नेम आर गेटिंग अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. कंप्यूटर इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करा. देखिए तानवी नीचे है, फिर कविता ऊपर है, फिर पिंकी. इनको सबको अरेंज करके अल्फाबेटिकल मतलब ए टू जेड अरेंजिंग ऑर्डर में इसको करेगा. देखिए पहले ए से अनीता हो गई, देन बी से बेनू, देन के से कविता, पी से पिंकी, एस से सोनिया एंड टी से तानवी. थर्ड है हमारा डेटा. डेटा देखिए 2 है, 5 है, 7 है, 1 है, 9 है, 10 है, 2 है. इंस्ट्रक्शन काउंट द नंबर ऑफ टाइम टू कोर्स इन द लिस्ट. इसको हमें करना है मैचिंग इस नंबर विद 2. ऐसे नंबर को हमें मैच कराना है जो 2 से मैच करें. तो बताइए इसमें हमें बताना है कि कौन कौन से नंबर 2 से मैच कर रहे हैं. यू नो आप बहुत जीनियस हो, तुरंत पहचान रहोगे कि कौन सा 2 से मैच कर रहा है. 2 से वनली ये लास्ट का हमारा, ये फर्स्ट एंड लास्ट. वनली 2 नंबर आर मैचिंग विद 2 टाइम्स. लेट्स समरीज. ए कंप्यूटर एक्सेप्ट डेटा एंड गिव हिम रिजल्ट. कोई भी कंप्यूटर किसी भी डेटा को एक्सेप्ट करता है और हमें रिजल्ट देता है. इनपुट इज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन डैट वी पुट इन द कंप्यूटर थ्रो इनपुट डिवाइसेस. इनपुट एक डेटा होता है या इंस्ट्रक्शन होता है जो कि हम कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के थ्रू पुट कराते हैं या रखते हैं. प्रोसेसिंग इज द थर्ड है हमारा. प्रोसेसिंग द वर्क डन बाय द CPU यूजिंग द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. प्रोसेसिंग एक वर्क होता है जो कि CPU करता है किसी भी डेटा और इंस्ट्रक्शन के बेस पे. आउटपुट इज द रिजल्ट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग. आउटपुट रिजल्ट होता है जो कि हम प्रोसेसिंग के बाद पाते हैं. जैसे कि प्रेजेंट टाइम आप गर्मी चल रही है, परेशान होंगे, आपको आइस बहुत पसंद है, तो उसके लिए आप क्या करते हो? पहले आप वाटर लेते हो. वाटर हमारा इनपुट हो गया, उसको हम फ्रिज में रखते हैं, ठीक. फ्रीज़र हमारा क्या करता है? उसको वाटर पे वर्क करता है, प्रोसेस करता है, उसको हमें रिजल्ट में क्या देता है? आइस देता है, ठीक. तो इनपुट हमारा वाटर हो गया, आउटपुट हमारा क्या हो गया? आइस हो गया. प्रोसेसिंग क्या हो गया? फ्रीज़र. तो इसी को हम IPO साइकिल बोलते हैं. ओके अब देखिए यहाँ आपका एक्सरसाइज है. डेटा एंड इंस्ट्रक्शन पुट इन द कंप्यूटर आर कॉल्ड. कोई भी डेटा और इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर में पुट कराते हैं तो वो हमारा क्या होता है? प्रोसेस होता है, इनपुट होता है या आउटपुट होता है? बेटा इनपुट होता है. ओके द वर्क डन बाय द CPU इज कॉल्ड. जब कोई CPU वर्क करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं या आउटपुट कहते हैं या प्रोसेस? बेटा उसको हम प्रोसेस कहते हैं. गुड द रिजल्ट यू गेट आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड. जब हम प्रोसेसिंग के बाद कोई रिजल्ट पाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं या प्रोसेस कहते हैं या इनपुट कहते हैं? बेटा उसे हम आउटपुट कहते हैं, क्योंकि ये हमारा रिजल्ट और रिजल्ट हम हमेशा हमारा आउटपुट होता है, ना कि इनपुट होता है ना प्रोसेस होता. मैच द फॉलोइंग. देखिए इसको आपको मैच करना है. मैं भेजूंगी आप लोग इसको करके, सॉल्व करके मुझे आप इसका आंसर दीजिएगा. फिर इन द ब्लैंक्स भी आपको करना है, ठीक. गिव टू एग्जाम्पल ऑफ द इनपुट आउटपुट प्रोसेस टेक प्लेस अराउंड अस. ये करना है आपको. यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें क्या हुआ है, 3 और 2 को क्या किया है कि 5 आया. यू नो यू आर वेरी स्मार्ट, यू कैन डू इट. ओके नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 करेंगे. आपको इसका पूरा होमवर्क मैं भेजूंगी, आपको करके मुझे सेंड करना. ओके बाय.